गाइस ये पेटीएम का साउंड बॉक्स है, जो मर्चेंट भाई बंधु इसे डीएक्टिवेट कराना चाहते हैं उनकी शॉप बंद हो चुकी है, इसका कोई यूज़ नहीं है। वो सोचते हैं कि इसको मैं बंद करा दूं साउंड बॉक्स, तो हमें जो मंथली रेंट दे रहे हैं फालतू का दे रहे हैं, या फिर जो वन टाइम पेमेंट की वो भी इस चीज़ को क्लोज कराना चाहते हैं, तो कैसे क्लोज कराएंगे इस वीडियो में आपको बताऊँगा, क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि भाई इसे कैसे क्लोज करें। लगवाने को तो लगा लिए लेकिन कैसे क्लोज करते हैं किसी को पता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार से फिर स्वागत है। तो दोस्तों मैं Paytm से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं, दोस्तों प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो मर्चेंट इस साउंड बॉक्स को यूज़ नहीं करते, उनका मंथली रेंट फालतू का जाता है, वो सोचते हैं कि हम इसे डीएक्टिवेट करें तो कैसे करें। डिस्क्रिप्शन में मैं दो नंबर आपको दिया हूं, उस दो नंबर पर आपको कॉल करना है अपने Paytm में जो आपने रजिस्टर्ड करा रखा है, और आपको बोलना है कि मुझे अपना जो साउंड बॉक्स उसे डीएक्टिवेट कराना है। उसके बाद 7 working days में उनका एग्जीक्यूटिव आएगा, साउंड बॉक्स को ले जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं, आपको ₹250 का पेमेंट करना पड़ेगा, वो भी आपके Paytm के वॉलेट से जाएगा, आपको किसी को कैश देने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको डीएक्टिवेशन चार्ज लगेगा। आप सोचेंगे यार 250 क्यों, तो ये Paytm का प्रोसेस है, आपको 250 देना ही पड़ेगा, वो चाहे आपने वन टाइम का लिया हो प्लान, चाहे वो आपने मंथली प्लान लिया हो, आपको 250 देने पड़ेंगे डीएक्टिवेशन के लिए। ओके, उसके पहले आपको श्योर हो जाना चाहिए कि आपके पास Paytm की तरफ से मेल आया हो, या फिर कोई लेटर लेकर आया हो उसका एग्जीक्यूटिव, भैया आपका जो साउंड बॉक्स हम क्लोज कर रहे हैं उसका ये लेटर। क्योंकि Paytm में क्या होता है, कभी भी कुछ भी पैसे काट लेते हैं और पता नहीं चलता कि इसका कैसे कटा क्यों कटा, बाद में पूछा जाता आपका पता ये कट गया वो कट गया है, ये चीज़ होती है। तो आपको लेटर या मेल इन्फॉर्मेशन बाकायदे ले लेनी है। ओके, अब आती है वन टाइम का, जो वन टाइम ने इसे खरीदे हैं उनके लिए क्या करना होगा, तो उनके लिए भी सेम प्रोसेस, डिस्क्रिप्शन में जो नंबर इस पर कॉल करना है और उनको भी यही बोलना है कि मुझे क्लोज कराना है और आपको भी ₹250 पे करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि अगर मान लीजिए मैंने 18 महीने का प्लान लिया था, मैंने 5 महीने यूज़ किए, तो 13 महीने क्या होगा, 13 महीने का आपका जो बचा हुआ है वो लेप्स होगा। अगर आपको लगता है कि भाई मैं 2-3 महीने में अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगा, तो आपको डीएक्टिवेट कोई कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेमेंट तो हमने पहले कर चुका है। अगर आप उसे कैंसिल कराते हो तो भी लेप्स जाते हैं। तो बेहतर ये होगा कि अगर आपको लगता है कि भाई मैं ओपन करूँगा बिज़नेस, तो आप डीएक्टिवेट मत करें, नहीं अगर अदरवाइज आप उसको क्लोज कराते हैं, डीएक्टिवेट कराते हैं, तो आपको 250 देना पड़ेगा और बाकी का वो लेप्स होगा। तो यही है वो तरीका इसको डीएक्टिवेट कराने का। उम्मीद करता हूँ आपसे इस वीडियो से हेल्प मिला होगा, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।